सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों विंडोज़ 10 में अगर आपके पास ये अपडेट का एरर आ रहा है, विंडोज़ अपडेट कैन नॉट करंटली चेक फॉर अपडेट, तो इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 की सेटिंग में जाना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिशनल ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर रन द ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, उसके बाद आपको इसको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर विंडोज अपडेट के ऊपर राइट क्लिक कर रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है इस तरीके से टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को एग्जिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सी ड्राइव ओपन करना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ फोल्डर में आना है। फिर आपको जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर में आना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फाइल्स है आपको जो है इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको विंडोज़ 10 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से टाइप कर एंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आप जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।